मध्य प्रदेश के सीहोर जनपद के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 9 मार्च से 15 मार्च के बीच वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के प्रथम दिवस में कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे पुष्प सज्जा, कैश सज्जा, सलाद सज्जा, व्यंजन सज्जा, चित्रकला, स्वरचित काव्य पाठ एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, तथा दूसरे दिवस में एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी छात्राओं ने उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हम डॉक्टर कलिका डुलस यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राध्यापक और वार्षिकोत्सव प्रभारी है। किस प्रकार की गतिविधियाँ? वार्षिकोत्सव हमारे यहाँ 2 चरण में संपादित होगा। उसमें से प्रथम चरण में सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी और द्वितीय चरण में खेल संबंधी गतिविधियाँ होंगी। प्रथम चरण में 9 तारीख को हमने कुछ कलात्मक गतिविधियाँ आयोजित की थी, जिनमें केश सज्जा, सलाद सज्जा, व्यंजन प्रतियोगिता और इसके साथ साथ साहित्य क्षेत्र की तात्कालिक भाषण जैसी प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिनमें छात्राओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और द्वितीय दिन में हमने सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, जिनमें एकल नृत्य, समूह नृत्य और फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एकल गान, समूह गान, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसको छात्राओं ने बहुत एंजॉय किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हाँ, खेल प्रतियोगिता आगामी 14-15 तारीख को होनी है, जिसे स्पोर्ट्स हॉल में संचालित किया जाएगा और उसमें भी रस्सी कूद है, 100 मीटर दौड़ है, गोला फेंक है, भाला फेंक है, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालय स्तर पर ही है तो महाविद्यालय के जितने प्रतिभाशाली हमारे प्राध्यापक और अतिथि विद्वान हैं, उन्हीं की कमेटी अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर उनके माध्यम से निर्णय किया गया है और निर्णय पूरी तरह से पक्षपात रहित होता है। बहुत सावधानी से सारे नियमों का पालन करते हुए निर्णय किया जाता है। इसका पुरस्कार वितरण भी मैडम, प्रमाण पत्र भी मिलेगा क्या छात्राओं को? हाँ, पुरस्कार वितरण होना है इसी माह तक में, के अंतिम सप्ताह तक पुरस्कार वितरण भी हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं के बच्चों का टाइम टेबल आ गया है तो हम ये चाहते हैं कि उसके पहले बच्चों को पुरस्कार भी मिल जाए, तो आगामी दिनों में पुरस्कार वितरण की योजना भी बनाई जा रही है।